वाह कितना सुंदर है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारा चॉकलेट फाउंटेन है, क्या तुम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि आसान नहीं होगा, तुम्हें अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत, समय शुरू हो गया है, गुड लक। सबसे पहले हमें एक एयर ब्रश लेने की जरूरत है, यह उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, तुम अभी तक सोच ही रही हो और हम काफी पहले से भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, देखते हैं मियाँ कैसा कर रही है। बेस तैयार है लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ गड़बड़ है। आइडिया, मुझे पता है कि वास्तव में एक सुंदर चित्र कैसे बनाया जाता है, बस एक मार्कर का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या तुमने देखा मैंने कितने अच्छे से कैप को हटा दिया था? बहुत अच्छा आइडिया मियाँ, इस तरह से तो तुम मुझे हरा ही दोगी। यह क्या था, जेनिफर क्यों गिरी? मैं बस अपने मार्कर कैप को हटाना चाहती थी। खैर मियाँ फिर मुझसे एक कदम आगे है, उसने सुंदर फाउंटेन बनाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक साधारण पंख मेरी मदद करेगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह देखो मेरी ड्राइंग को क्या हो गया। वो पेंट में ढका हुआ है। जेनिफर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? केट तुम किस पर हंस रही हो? ये बहुत मजेदार है। मजेदार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिया तुमने मुझ पर पेंट क्यों छिड़का? यह वाकई मजेदार है, और अगर तुम्हारी ड्राइंग पर भी पेंट छिड़क दे तो और भी मजेदार होगा। जेनिफर तुम क्या देख रही हो, क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए? ओह ऐसा लगता है कि समय खत्म हो गया है, तुम बहुत लकी हो। तो चलो देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। मिया ने मेरी ड्राइंग बर्बाद कर दी, मुझे पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा काम भी सबसे अच्छा नहीं होगा, सब जेनिफर की वजह से है। लड़कियों तुमने मुझे निराश कर दिया, यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। सच कहो तो यहाँ चुनाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेनिफर तुम जीत गई, फाउंटेन तुम्हारा हुआ। वाह कितना बड़ा है, मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों, मैं काफी समय से इस चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई करना चाहती थी और अब मेरा सपना सच हो गया है। ओह माय गॉड, हमें बस बैठकर यह नहीं देखना चाहिए, उसे चॉकलेट चुरानी होगी। चलो इससे पहले कि वो खुद सब कुछ पी ले। एक शानदार विचार है मियाँ, स्वादिष्ट। अरे मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? हमने सोचा कि हमें भी तुमसे थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरस्कार प्रस्तुत करती हूँ, है ना ये बहुत प्यारा? अरे हाँ बहुत प्यारी है, इधर आओ दोस्त। अरे वाह क्या सरप्राइज है, क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा? मिया तुम बहुत स्मार्ट हो, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। ओके। यह अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वास्तव में इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसके अलावा मुझे लगता है कि आसान होगा। खैर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुंह से ड्राइंग करने से कहीं बेहतर है अपने पैरों से ड्रॉ करना। यह गंध कहाँ से आ रही है? छी मिया बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया है, अब ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। यह बकवास न मिलने की मेरी संभावना हर सेकंड बढ़ रही है। ओह मिया तो ड्राइंग शुरू भी कर चुकी है और मैं अभी तक पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हुर्रे आखिरकार हो गया, मैं जीत के बहुत करीब हूँ, चलो शुरू करती हूँ। ओह मेरा मार्कर खो गया, वो कहाँ है? अब मैं कैसे ड्राइंग करूंगी? मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए। ठीक है दूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ। ओह फिर से मैं नहीं कर पा रही। वाह मिया का लगभग हो गया, समय समाप्त हो रहा है, रुको अपना काम दिखाओ। अरे नहीं मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था, और मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हूँ, शायद आपको ये पसंद आए। ये बस ऐसे ही है, चलो देखें कि दूसरों के पास क्या है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा किया। क्या समय हुआ है, ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा सो गई थी। ओ दिखाने का समय हो गया है, यह सही नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, केट हार गई।
अरे नहीं, गलती मेरी नहीं थी, मियाँ की वजह से मैं बेहोश थी। क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा? ओह, ये कितना घिनौना लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अपने मुंह में डालूं। मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ। ओह, कितना मीठा है, ये चॉकलेट पेस्ट है। मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट, लाजवाब। छी, तुम ये क्या कर रही हो? बस करो, हमें देखकर घिन आ रही है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। ओ, मुझे उल्टी आ रही है। छी, शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो? नहीं। हेलो। और यह रही एक और प्यारी। वाह, कितनी सुंदर बिल्ली है, बहुत प्यारी। बैठ जाओ बेबी, जब तक लड़कियां अपना काम कर रही है हमें इंतजार करना होगा। वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेहरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ। यह प्यारी बिल्ली मेरी होगी, बस तुम देखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे लगता है कैट मेकअप मुझ पर बहुत सूट करेगा। ये सफेद पेंसिल तो बेकार था, इसके बदले में नीला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखो कितना चमकीला है, बिल्कुल जैसा चाहिए। चलो अब आँख की ओर ध्यान देते हैं। वाह, तुम वास्तव में अच्छा कर रही हो। आशा करती हूँ कि ड्राइंग मुझ पर भी अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलैक्स। मैं आईने में देखकर ड्रॉ करूंगी, इससे कितना आसान हो गया। अब मुझे निश्चित रूप से कोई हरा नहीं पाएगा। वाह, मैंने लगभग अपनी ड्राइंग पूरी कर ली है। जेनिफर, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर वास्तव में मुझे यह प्रक्रिया पसंद है। और मुझे भी, क्यों पसंद नहीं होगा? तुम आईने में देखकर कर रही हो, ये सही नहीं है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो क्या हो रहा है, ये सही नहीं है। हाँ वो तो है, हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े। केट, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, माफ करना। नहीं, ऐसा मत करो। रुको मिया, प्लीज, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी। पर अब तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी। ऐसा लग रहा है कि मिया अभी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त है, मुझे यह पसंद नहीं है। हे मिया, क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अब हम इसे ठीक करेंगे। ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही थी? तो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? हाँ, बहुत बेहतर, बिल्कुल अलग। मैं देख रही हूँ कि सभी तैयार है, ये बढ़िया है, क्योंकि समय अभी समाप्त हुआ है। बेबी, इधर मत देखो, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। और मेरा कैसा है? यह और भी बुरा है। क्या सच में? पर यह सब जेनिफर ने किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जेनिफर जीत गई है। अच्छा, तो उसके पास जाओ। हुर्रे, मैं जीत गई। मेरी प्यारी बिल्ली, इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सहलाऊंगी। ओह, मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? लगता है जेनिफर को बिल्ली के फर से एलर्जी है। ये अच्छा ही है, हम ये प्यारी बिल्ली को ले सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वाह, इतने सारे सॉस। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें किससे ड्रॉ करना है, और अब समय आ गया तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है। ओ, बड़ी कच्ची मछली, मुझे नहीं लगता कोई इसे पाना चाहता है। तुम सबको इसे ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे सामने सॉस है, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम अकेली नहीं हो मिया, यह क्या हो रहा है? जेनिफर, यहाँ देखो, तुम मेरे चेहरे पर कचरा फेंक रही हो। ओ, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ऐसे होगा, ये बहुत बुरा है। आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परेशान नहीं करेगा। यह ड्राइंग करने का समय है, चलो देखे कि यहाँ क्या है। हाँ, कैचअप, बहुत अच्छा लग रहा है, यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है, शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और मुझे तो पीला ज्यादा पसंद है, मैं इसके साथ शुरू करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। वैसे इन्हें बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अफसोस, सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे कोई और लेना होगा। यह मस्टर्ड एकदम सही रहेगा, थोड़ा अलग शेड है लेकिन मुझे यह पसंद है। और मैं बीच में कैचअप डालूंगी। बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, कोई यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है। वाह, मिया की ड्राइंग लगभग तैयार है,
हाँ, मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है, बस फिनिशिंग टच। लगता है मैं पीछे हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। मैं जानती हूँ, मैं एक ही बार में सभी सॉस के साथ पेंट करूंगी, इससे मेरा समय बचेगा। लेकिन वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा। बहुत स्वादिष्ट है, रुकना नामुमकिन है, मुझे और सॉस चाहिए, मुझे बहुत खाने का मन है। तुम क्या कर रही हो जेनिफर, अपने आप पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा हो गया, अरे नहीं, सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीक ऊपर गिर गए, यह बुरा हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। ओ, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, बस रुक जाओ। स्वादिष्ट, अरे नहीं, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मिया की ड्रॉइंग बहुत सुंदर है, मैं पक्का हार जाऊंगी। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, माफ करना, मेरी ड्रॉइंग पर सॉस गिर गया था। जबकि कोई देख नहीं रहा है, चित्रों को जल्दी से बदल लेना चाहिए। आओ देखें कि दूसरों के पास क्या है। ये मेरी मछली है, क्या ये वाकई खूबसूरत है? अब इसके बारे में क्या कहूँ, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये एक सादा कागज है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा दिया गया है। जेनिफर ने चित्रों को अदला बदली की है, अब यह साबित नहीं हो सकता, तो तुम्हें मछली खानी पड़ेगी। मिया, अपने खाने का मजा लो। मुझे ये गंध पसंद नहीं है, भयानक बदबू आ रही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है, क्या होगा अगर इस मछली को पकाते हैं? मुझे लगता है कि तब और भी स्वादिष्ट होगा। यह पता चला कि बर्नर को संभालना इतना आसान नहीं है। माफ करना जेनिफर, यह गलती से हो गया, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें वह मिला जिसकी तुम हकदार थी। अब बातें बहुत हो गई, चलो मेरी मछली को ठीक से पकाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे ना नहीं कहूंगी। अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। अब देर हो गई है, तुमने इस मछली को मुझ तक पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किया। कितना मुलायम, अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है, ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का, पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी, ये एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी, मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो, कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या, नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ, उन दोनों की कितने सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ, तुम हंस क्यों रही हो, मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग, अब फिर हंस कर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों हो, मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अपनी तस्वीर दिखाओ। मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है, वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है, तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे, सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ
तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप, जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या, क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे मेरा भूरा मार्कर गिर गया, मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है। मेरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मेरी को बधाई देते हैं। नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या, काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी, यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयन से ड्राइंग करनी होगी, और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ मैं कागज पर क्यों बनाऊँ अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। बहुत बढ़िया, जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। yes! जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ यह सही नहीं है, हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल बिल्ली, अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ, बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है, धन्यवाद यार। चलो दोस्तों अब अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी तुमने फिर कोशिश भी नहीं की, ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता क्या तुमने देखा भी है कि एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी,
मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छा, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी अब बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना, क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। ये मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। yes! ओ, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी कुछ करना होगा। मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में, मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे, नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है। ओ, मैंने तो सारे सॉस खा लिए, अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंता से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ, और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंथा, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है, मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और एक मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल एक मिनट है, और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ।
जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं, बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। और पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, यह मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं, और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा, फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। तो क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है, लेकिन मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है, फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ, मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है, ये दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, ये अच्छा नहीं है, और तुम्हें तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, ये बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ, मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। हुर्रे, इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है, और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं, तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है, यह काम का समय है। यह सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है, जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो?
मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है, दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार, कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो, ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया, मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें ये ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है, यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना, वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूँगा। मुझे केवल एक स्नो फ्लैग बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैची चुरा लूंगा। आओ देखे कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है, तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है, यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न है, और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया, तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो, इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई, तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत